दोनों भाई बहुत पसंद है तो उनमें से किसी एक के साथ ही शादी कर लेती। अरे यार कर लेती मैं शादी, लेकिन मेरे बाबा को ना अपनी उंगलियों पे नाचने वाला पपेट चाहिए था। आपसे बेहतर काम ये कौन कर सकता है। शेरवानी का नाप ठीक है जी? अंकल ने बुलाया था आज ट्रायल्स के लिए। मुझे पता है आप सिर्फ उन्हीं के कहने पे आते हैं। चले अच्छी बात है कि सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो रहा है। आप जाओ, पसंद की शेरवानी, सियासत में हिस्सेदारी, दूसरी शादी। उड़ती उड़ती बातों पे कान नहीं भरते आले, अच्छी बातें होती। आपको पता है तबरेज, मुझे ना अपने आप पे अफसोस हो रहा है कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि आपकी असलियत समझ ही नहीं पाई। खैर एक बात याद रखिएगा, जब सब कुछ इंसान के मुताबिक हो रहा होता है ना, तो इंसान वहां से मायूस होता है जहां से उसने कभी सोचा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात है, जितनी बातें करनी है कर लो तुम। मेरे घर में आने के बाद तो तुम्हारा ये मुंह खुलेगा भी नहीं। एक लम्हे में असलियत पे आ गए ना। कितने मजबूर हो तुम अपनी फितरत के आगे। घर पे क्या करते थे? अपने दोनों भाइयों में से ही किसी से कुछ सीख लेते। दोनों भाई बहुत पसंद है तो उनमें से किसी एक के साथ ही शादी कर लेती। अरे यार कर लेती मैं शादी, लेकिन मेरे बाबा को ना अपनी उंगलियों पे नाचने वाला पपेट चाहिए था। आपसे बेहतर काम ये कौन कर सकता है। ओ तबरेज़ बेटा फिटिंग हो गई। खुदा हाफिज़ आंटी। अल्लाह हाफिज़। इसको क्या हुआ है? इसके तुम्हें खाने की मुना फिक्र नहीं करें, मैं बहुत अच्छे से खातिरदारी कर चुकी हूँ तबरेज़ की। आह।